जिले में मंगलवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पूरा शहर कोहरे से निपटा हुआ नजर आया। ठंडे मौसम में सूरज भी बादलों की ओट में छिप गया, नतीजतन लोग ठंड से ठिठुरने लगे। आपको बता दें कि मंगलवार को शहर में अचानक घने कोहरे की चादर ओढ़ ली। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि 50 मीटर देखना भी मुश्किल हो गया। कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम नजर आ रही थी। वहीं घने कोहरे के चलते लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे थे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये कोहरा हवा में नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से हुई है। अगले 2 दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। आपको बता दें कि मौसम में आए परिवर्तन ने शहरवासियों को सीजन के पहले कोहरे के साथ कपकपाती ठंड का एहसास कराया है। कोहरा छाते ही ठंड बढ़ गई है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, अभी कल के मुकाबले मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में 1-1 डिग्री सेल्सियस का उतार हुआ है और ठंड थोड़ी बढ़ी है। और अभी जो ये आज जो फॉग की स्थिति थी, जो बादल कुहेसा छाया हुआ था, वो अभी अगले 2-3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। क्या कुछ बढ़ेगा भी? देखिए, अब तो ठंड स्टार्ट है और देखा जाए तो अब यही पीक पीरियड होता है जब तकरीबन फरवरी माह तक ठंड बनी रहती है, तो यह तो अब स्टार्टिंग है और ये कुछ दिनों तक अभी चलता रहेगा। कोहरे के दौरान जो वाहन से यात्रा करते हैं या जो उसको ड्राइव करते हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोहरे के दौरान लो बीम पे गाड़ी चलाएं, और हाई बीम पे चलाने से ये होता है कि आपको रोड साइड नहीं दिख पाता है, और साथ ही जो रेडियम स्टिकर्स होते हैं वो गाड़ियों पे लोग प्लेस करें ताकि कहीं दूर से भी कोई अगर उस वाहन को आ रहा हो तो उसको देख के चलें। और यदि अगर फॉग की स्थिति बनी हुई है तो कम से कम लो लाइट ऑन करके गाड़ी चलाएं, जिससे कि सामने वाला आपको देख सके और आप भी सुरक्षित होकर के अपनी ड्राइविंग कर सकें। हालांकि सब संबंधों में एक विस्तृत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक निर्देश समस्त विभागों को गए हुए हैं, जिसमें यातायात विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश आपदा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका अनुपालन कराया जा रहा है।